शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स के लिए 2022 वैसा नहीं रहा जैसा 2021 रहा था। बाजार में साल भर उतार चढ़ाव रहा। हालांकि तमाम नेगेटिव चीजों के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने दुनिया के दूसरे बड़े बाजारों के मुकाबले बढ़िया प्रदर्शन किया है। भारतीय शेयर बाजारों ने इस साल अब तक करीब 4% रिटर्न दिया है और इसी वजह से भारतीय इन्वेस्टर्स कुछ अच्छी कंपनियों में पैसा बनाने में भी सफल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के तीसरे सबसे रईस शख्स गौतम अडानी ने अपनी कंपनियों के इन्वेस्टर्स को भी खूब माल बनाने का मौका दिया है। 2022 की सबसे तगड़ा रिटर्न देने वाली कंपनियों में अडानी ग्रुप की 4 कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों ने इन्वेस्टर्स को तगड़ा रिटर्न 2022 में दिया है। 2022 में बैंक, ऑयल एंड गैस, FMCG और सरकारी कंपनियों ने इन्वेस्टर्स की झोली भरी है। अगर उन 10 कंपनियों की बात करें जिन्होंने 2022 में इन्वेस्टर्स को मालामाल किया है तो इनमें अडानी ग्रुप की कंपनियां सबसे ऊपर हैं। अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी ट्रांसमिशन 2017 से 2022 के बीच इन्वेस्टर्स की पूंजी को सबसे ज़्यादा बढ़ाने वाली कंपनियां रही है, यानी इन्हें टॉप वेल्थ क्रिएटर साबित हुई है। यहाँ हम बात निफ्टी 100 में शामिल कंपनियों की कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। इस साल निफ्टी 100 के टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मेंस स्टॉक्स में अडानी ग्रुप की 4 कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों ने अपने शेयर धारकों को 38 से 125% तक रिटर्न दिया है। अडानी एंटरप्राइजेस ने 2022 में अब तक 124% रिटर्न देकर अपना जलवा कायम किया है। दूसरे टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL शामिल है। HAL ने 2022 में अब तक 104% रिटर्न दिया है। 2022-23 की दूसरी तिमाही में HAL का प्रॉफिट 44% बढ़कर 1221 करोड़ रुपए हो गया। साथ ही इसकी ऑर्डर बुक भी करीब 8400 करोड़ रुपए की है। सरकारी सेक्टर की एक और कंपनी ने इन्वेस्टर्स को मालामाल किया है। कंपनी का नाम है कोल इंडिया। CIL ने इन्वेस्टर्स को इस साल 43% रिटर्न दिया है। जबरदस्त कोल डिमांड के चलते कंपनी का कारोबार चढ़ा है और इससे कंपनी का ग्रॉस मार्जिन 19.6% पर पहुंच गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस साल अब तक 110% रिटर्न दिया है। गौतम अडानी की अगुवाई वाली कंपनी अडानी टोटल गैस ने 2022 में अब तक 100% रिटर्न देकर इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया। इस लिस्ट में एक और कंपनी है अंबुजा सीमेंट्स और इसने इन्वेस्टर्स को 38% रिटर्न दिया है। सरकारी सेक्टर की ही एक कंपनी है जो कि लंबे वक्त से पस्त पड़ी थी। उसने 2022 में इन्वेस्टर्स के लिए मानो खजाना खोल दिया। इस कंपनी का नाम है ITC और इसने इन्वेस्टर्स को 51% रिटर्न दिया है। इसी लिस्ट में अडानी ग्रुप की 2 और कंपनियां शामिल हैं। इसमें अडानी ट्रांसमिशन ने 46% रिटर्न दिया है और अडानी ग्रीन एनर्जी ने 44% रिटर्न दिया है। आनंद महिंद्रा की M&M ने भी इन्वेस्टर्स को खूब पैसा कमा कर दिया। जबरदस्त SUV लाइनअप और बायर्स की लंबी कतार ने इसके शेयर को भी 2022 में आसमान पर पहुंचा दिया है। इस साल अब तक महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 48% रिटर्न दिया है और इन्वेस्टर्स को जश्न मनाने का मौका भी दिया है। कुल मिलाकर भले ही शेयर बाजार के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन कुछ कंपनियों और खास तौर पर अडानी ग्रुप की कंपनियों ने इन्वेस्टर्स को जमकर पैसा बनाने का मौका दिया है। अब देखना ये होगा कि इन्वेस्टर्स के लिए अगला साल यानी 2023 कैसा रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ताक।